एक प्लस टेन स्क्वायर ए बटा एक प्लस कोट स्क्वायर ए, एक तो ये है, फिर बराबर एक माइनस टेन स्क्वायर ए और एक माइनस कोट ए, कोट है स्क्वायर यहाँ नहीं है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बराबर अपने निकालना है टेन स्क्वायर ए। ये होता है लचस, ये होता है एमएचएस और ये होता है आरएचएस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपने ये है एक प्लस टेन स्क्वायर ए, एक प्लस है टेन स्क्वायर ए, एक प्लस टेन स्क्वायर ए का मान कितना होता है सेक स्क्वायर ए, बराबर क्या होता है एक प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर कोट का क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए, क्या चीज कोसेक स्क्वायर है ए बराबर एक प्लस कोट स्क्वायर ए, ये होता है ना। अपने इसको लेते हैं पहले, तो एक प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या रख दूं सेक स्क्वायर ए, एक प्लस कोट स्क्वायर की जगह क्या रख दूं कोसेक स्क्वायर ए, हो गया ठीक है। अब देखो अब अपने इन दोनों का ऐसे लिख देते हैं सेक ए और कोसेक ए और दोनों पे घात है ना, तो इकट्ठे करके ऐसे घात लगा दो ऊपर, होल स्क्वायर, होल है स्क्वायर, होल है स्क्वायर। सेक का मान क्या होता है, किसका उल्टा होता है ये कोस का है, तो चूंकि सेक ए बराबर क्या होता है एक बटा कोस ए, चूंकि कोसेक बराबर क्या होता है कोसेक ए बराबर एक बटा साइन ए होता है, ये सेक ए है ना, क्या है सेक ए क्या है, तो ऊपर वाले का मान रख देता हूँ एक बटा कोस ए क्या रख दूं, और नीचे वाले कोसेक का मान क्या रख दूं एक बटा साइन ए, और ऐसे करके ये कर देता हूँ होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे होल स्क्वायर है दोनों पे है। अब देखो एक बटा चार संख्या नहीं होती बटे मैंने, तो एक बटा कोस ए ये नीचे वाली ऊपर जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, क्या हो गया साइन ए बटा एक, साइन ए बटा एक, साइन एकम साइन ए कोस एकम कोस ए का होल स्क्वायर है ना, और साइन और कोस, साइन और है कोस, किसका मान होता है साइन ए बटा कोस ए बराबर होता है टेन ए, टेन है होता है ना, तो अपने इसकी जगह रख दूं टेन ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर खोल दें तो टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर है ए, हल हो गया, एक साइड डलोगी।